गाइस, आज ईद का दिन है और हम सर का वेट कर रहे हैं। और आज सर का 24 आवर का ईद का पूरा ब्लॉग शूट होने वाला है और हम सर का वेट कर रहे हैं। और सर अभी आने वाले हैं तैयार होके, उसके बाद में हम सर से बात करेंगे। बहुत आपको मुबारकबाद। और आज 24 आवर का ब्लॉग शूट हम करने वाले हैं, तो जो भी आपके फैंस हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये लोग आए हैं कि ईद के दिन का 24 आवर्स हम लोग कैसे स्पेंड करते हैं, फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो एक सरप्राइज पैकेज है इन लोगों का। अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, पता नहीं। अभी शुरुआत हुई है, नहा धोकर बाहर आए हैं, अब नमाज के लिए जाएंगे, सबसे मिलेंगे और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा हमारा। शमी सर, अभी नमाज हो चुकी है और नमाज के बाद आपका क्या क्या रूटीन होने वाला है पूरे दिन का? ज्यादा नहीं है, क्योंकि जस्ट बेसिक चीजें हैं। अभी जस्ट नमाज खत्म हुई है, यहाँ से नमाज के बाद हम लोग ज्यादातर 99% लोग सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे फातह करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं उनके लिए। तो नमाज के बाद सबसे पहले कब्रिस्तान जाना जरूरी होता है, उनको याद करना जरूरी होता है जो आपके सबसे दिल के करीब प्यारे लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए दुआ करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अब नमाज के बाद हम यहाँ से कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद हम घर में आएंगे और फिर थोड़ा सा कुछ। ये है फिरनी, जो हमारे ईद पर फिरनी, सिवाई खीर, जो स्वीट्स बनती है। ये हमारे माँ जी का कारनामा है, ये तो आप, क्योंकि विलेज में उतना सारा मीठा जितने लोग आते हैं उतना सारा मीठा स्टोर नहीं हो सकता फ्रिजेस में। तो सारे बैडों पर यही हाल है, सारे फैन चलते हैं, सब यही हाल बना रखा है। और भी बैड, तो ईद का दिन है, पता नहीं कितने लोग आएंगे, कौन आएगा, क्या आएगा, सबको मिठाई बनाया जाता है, तो ऐसे तैयारियां रखी जाती है। देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। कि हम कब्रिस्तान के बाद घर गए और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो बचपन की यादें हैं, जो पुराने लोग हैं, अपनी फैमिली के, खानदान के लोग हैं,
उन लोगों से मिले, कुछ अननोन पर्सन थे, कुछ नॉन पर्सन थे, तो ये होता ईद का माहौल। अब सबसे मिलकर पुराने घर भी घूम कर आ गए, अपनी पुरानी जगहों पर भी गए हम। उसके बाद अब हम आए हैं फार्म हाउस पर, जहाँ पर थोड़ी सी डिश स्वीट या फिर खाने कुछ बन रहे हैं, अब वहाँ लेकर जाएंगे आपको और दिखाएंगे कैसे बनता है। उसके बाद में हेलो सर, आज के दिन भी आइसिंग कर रहे हैं आप? अब डेली रूटीन है तो डेली रूटीन में डालना तो पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारा मेन हथियार है। अभी हमारा दिन में 5 बार 4 बार 5 बार जितना हो सकता है उतना आइसिंग चल रहा है, देखते हैं। बट ये भी एक पार्ट है आज के दिन। यस सर, भैया ड्रेस भी चेंज हो गया आपका, नया आउटफिट आज का? यार मेरे आउटफिट कुछ नहीं है भाई, मैं ऐसे नॉर्मल रहता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान। बट ईद के कपड़े मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर आप पहन सकते हो, मतलब मुझे तो भारी लगते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा पहन लो। लाइट एकदम कम्फर्ट है, ज़्यादा फैशन वाला नहीं, ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं होना है। तो आप दोपहर का टाइम हो गया तो कुछ नहीं, आइसिंग होना है, चिल मार रहे हैं। ब्लैक कलर का कुर्ता तो बहुत ऑसम लग रहा है, लेकिन आपके फेवरेट कलर कौन कौन से हैं कुर्ते में, जो आप ज्यादा पहनना पसंद करते हैं? एज ए मुस्लिम हम लोग कुर्ता तो ज्यादातर पहनते ही हैं यार, क्योंकि लेकिन लोगों ने मुझे बहुत कम देखा होगा। व्हाइट तो जनरली हर जगह चलता है, जो हर इंसान पे सूट करता है, हर इंसान पहन लेता है, लेकिन पर्सनली मेरी चॉइस ब्लैक। मेरे पास आप लोगों ने नॉर्मल कपड़े भी देखे होंगे, ज़्यादातर टी शर्ट्स वो भी, और ब्लैक कलर मुझे हमेशा से पसंद रहा है। यार ये लाइफ है, स्पेशली क्या है कि पिछले 6 साल से हम लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो 6 साल का परफॉर्मेंस है, जो 6 साल का फिटनेस है लॉकडाउन के बाद से, तो ये एक तरीके का मतलब स्कूल है मेरा। तो इसकी मेंटेनेंस भी चल रही है, थोड़ी सी ग्राउंड में घास लगाई है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा आना शुरू हुआ है ये, और इसके बिना रहा भी नहीं जाता, क्योंकि ये लाइफ है, क्योंकि इसी से लोग हमें जानते हैं, इसी से हमें लोगों ने जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है।
और ये मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, तो इससे तो अलग ही लगा होगा, क्योंकि अब एज ए प्लेयर ऐसी चीजें करना बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों को लाइक ये सौभाग्य कह सकते हैं या मौका कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि ये बहुत कम लोगों को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये लाइफ है मेरी, और मैं हमेशा पसंद करता हूँ ग्राउंड पे रहना, हमेशा पसंद करता हूँ। जब मैं घर पे आता हूँ सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे टाइम बिताना कोशिश करता हूँ फार्म हाउस पे, क्योंकि मेरी एक्टिविटीज यहाँ पे है, क्योंकि पूल जिम सब फैसिलिटी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा है अपने लिए। तो सबसे मेन रीजन तो ये ग्रास है कि एक बार ये सेट हो जाए तो हम इसका लेवलिंग करके अच्छे से इसको अच्छे से ग्रीन कारपेट बना सके। बट कारपेट तो यहाँ भी कम नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन आना नहीं चाहते, डरते हैं बेचारे, लेकिन हाँ काफी हेल्पफुल है, लड़के आते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बैटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अच्छी लेंथ पे और अच्छी जगह से खिलाया जाए अगर बाहर का कोई टूर है तो। तेरी जिस बार कुर्ता ऊपर चढ़ जाना अस्ती उस टाइम अरे मां वही बल्ले पे मेडल नहीं हुई है अभी तक, एक ही हुई थी कि कहीं और माननी थी। ऐसी तो लगी ला भाई वो तो पैकेट, मूड खराब मत करो इसका बिल्कुल, आज शांत तक खा रहा है शांति से। अरे मैं तू तो दूर ही रहना, तू तो शक्ल भी मत दिखा, आजा बेटा आजा। ये मेरा सबसे पुराना डॉग है जो लॉकडाउन में आया था मेरे पे। क्या बात क्या बात क्या बात है, उसको भी खाने दे ले। लो भाई छोटे छोटे बच्चों, चलो लो छोटे छोटे बच्चों, लो 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 खाओ सब, चलो ऊपर आओ ऊपर आओ, कम अप कम, हाँ आजा आजा आओ ऊपर। जितनी भी ग्राउंड में बॉलें जाती थी शुरू में प्रैक्टिस में, ये उठा के लाता था खेतों के अंदर से। लो चलो, अबे यार चलो बच्चे, अच्छा बच्चे लोग भी देख रहे हैं, चलो 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 चलो, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, इनको भी आदत हो जाएगी। खा लो ये बड़ा वाला, ले 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 उनको खाने दे बच्चों को, चलो आओ ऊपर आओ, आ जा आ जा, ले कैच पकड़, ये देखो सारे कैच पकड़ेगा एक ड्रॉप। चल चलो ये देखो सारे के सारे गज पकड़ेगा ये, लो ये फील्डर, लो लो चलो ये देखो सारे गज, कम कम अप कम अप कम अप, यहाँ आओ आजा आजा ले भैया। ये अमरूद का पेड़ है तो आपको पसंद है, इस वजह से लगा रखा है कि कैसे क्या बताऊँ ना इसके बारे में। ये पेड़ यार 2016 में लगाया था हमने, अमरूद मुझे वैसे भी पसंद है, और ये पेड़ मेरे फादर लेकर आए थे जब मैंने ये लैंड फर्स्ट टाइम जब बाय किया था, ये पहली बार जब ये लैंड हम लोगों ने लिया तो ये पेड़ मेरे पापा लेकर आए थे। क्योंकि ये पेड़ एक ऐसा नॉर्मल पेड़ नहीं है, क्योंकि इसके हर टाइम इस पे अमरूद आते हैं, पर अमरूद आप यकीन नहीं करोगे ऑलमोस्ट 1 किलो के आसपास है इस पेड़ का अमरूद, और उसके साथ मीठा भी है। ये पेड़ की बदौलत फर्स्ट कि ये मेरे फादर का लाया हुआ है, उनकी निशानी है, सेकंड बड़ा अमरूद है, थर्ड कि मीठा भी है।
बट इस पेड़ की वजह से जो रोड दिख रहा है ना आपको, ये जो एंड हमारा यहाँ से एंट्री दिख रहा है, ये इसी की वजह से घूमा है। पहले ये यहाँ पे सीधा ला रहे थे हम, देखो उसकी आवाज आने लग गई। हाँ, अभी कितना शानदार देख रहे थे ना उसको। तो इस अमरूद की बदौलत ये रोड हमें इतना लंबा करना पड़ा है, क्योंकि हमें मेन पोच भी चाहिए था लेकिन सीधे में मेन पोच नहीं बन पा रहा था। तो इसकी, इस रोड की वजह से, ये पेड़ बचाने की वजह से ये रोड उधर से निकला है। इसमें जो ये रोड आपको दिख रहा है मेन पोच पे जाता हुआ, जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, वहां पे इस रोड को लाने के लिए, इस अमरूद को बचाने के लिए ये रोड हमें वहां से घुमाना पड़ा था। सो इस पेड़ की एक दो तीन खासियत ही है कि पापा के हाथ का है और इसके अमरूद बहुत बड़े हैं, दो चीज ये मेन कारण था इसको बचाने का यहाँ पे। कि सबसे पहले के पापा लेकर आए थे इसको, तो ये था आज का रूटीन कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम कैसे घर में नॉर्मल रूटीन में भी रहते हैं। कोई ख़ास ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, एक फेस्टिवल था उसकी अगर जो क्या बोलते हैं उसको, प्रक्रिया बोलते हैं, जो उसके जो रूल बोलते हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो नॉर्मल रूटीन था। सुबह का चाय नाश्ता हो या फिर गार्डन में घूमना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, डॉग्स के साथ हो या फिर ग्राउंड में जाना हो, वो बेसिक चीज़ें जो डेली बेस होती हैं वही सब था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ साल में एक बार आती हैं, जैसे लोगों का मिलना है या ईद पे मिठाइयाँ बनना है या गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देना है, ये सब चीज़ें फेस्टिवल पर दिखाई देती हैं। तो वही था आज के दिन में। आज अब हम थक चुके हैं, अब हम यहाँ पे इस आज के डे को ख़त्म करते हैं। हालांकि दो तीन घंटे और हैं लेकिन अब और हिम्मत नहीं है क्योंकि थक चुके हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना हो गया। तो आज का जो हमारा सेशन था, जो आज का जो सारा पूरे दिन का जो सर्कल बनाया था, वो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा या फिर आप कैसा मनाते हैं अपने फेस्टिवल्स को। तो अगर हो सके तो कमेंट्स में, हो सके तो वीडियो अपलोड कीजिए।